मैं शुरू कर रही हूँ इसमें से लकड़ा निकालना, जो लकड़ी प्लाई पहले से लगी हुई है। तो हथौड़ी और औजारों के बल पे मैं इसे निकाल के फेंक दूंगी। भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी बताएं तुम्हें, कुछ भी है। चलो हमें काम करने दो भी। Well, it's tiring work. It takes patience. It takes talent. It takes artistry. So, कोई भी काम जो है वो करने में लुत्फ आना चाहिए। ये मेरा पुराना बेंच है हमारे घर पे रखा था। मैं इसे एक शू रैक में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। तो कुछ लकड़े थे मेरे पास पुराने, और मैं थोड़ी इस मामले में ना बहुत ओल्ड स्कूल हूँ। लकड़े या कोई चीज़ ऐसे मुझे लगता है आगे काम आएगी, कोशिश करती हूँ मैं स्टोर कर लेती हूँ। वैसे मुंबई में घर बहुत छोटे होते हैं तो मुश्किल होता है कुछ स्टोर करना, बट आई ट्राई। कल मैंने एक प्रोजेक्ट उठाया था एक बेंच को सूरत में कन्वर्ट करने का, और मैं अपना प्रोटेक्टिव गियर पहन के इसमें आगे बढ़ रही हूँ। मैं बाइकिंग के लिए नहीं जा रही हूँ, वर्क करने के लिए जा रही हूँ। I know, I'm a die-hard Rajni fan. अगर आप लोगों ने मेरा शो देखा होगा आर के लक्ष्मण की दुनिया, तो उसमें मैं रजनी अम्मा बनी हूँ, और ये मेरा स्टाइल था। एवरीथिंग दैट रजनी कांट डज, रजनी अम्मा डज। एंड बस वो दिन था, और आज का दिन आई कैन नॉट हेल्प बट वेल डू व्हाट रजनी डज। और ये सब हम अपनी प्रोटेक्शन के लिए पहनते हैं, क्योंकि लकड़ी कभी कभी उंगलियों में लकड़ी के जो छिलके होते हैं वो उंगलियों में घुस जाते हैं, नाखूनों में फंस जाते हैं, आँख को भी बहुत संभालना होता है। इसलिए इस पसार पे गौर मत कीजिएगा। ये मेरा वर्कशॉप है जहाँ मैं ऐसे मोल्ड करके मैग्नेट्स बनाती हूँ, ये पुराने मैग्नेट टूट गए रिपेयर करती हूँ, पेंटिंग बनाती हूँ। जिस पेंटिंग एक कपड़े की है, लास्ट वीकेंड का प्रोजेक्ट खत्म हो गया है, सो मैं ये सब करती हूँ। ये करने का सही तरीका है इसको छीलने का, इस पर रंदा मारना। रंदा एक औजार होता है जिसमें एक ब्लेड फिक्स होती है, जो आपने देखा होगा कारपेंटर्स मारते हैं, लेकिन मेरे पास वो रंदा नहीं है। वो बहुत बड़ा औजार होता है, मुंबई घरों में इतनी जगह नहीं होती कि चीज़ें स्टोर करो, तो मैं जितना हो सके उतनी। ये पुरानी सीजर जो है मेरी टूट गई, जिसको मैंने अपना औजार बना लिया है, उसको उससे कोशिश करूँगी जितने हो सके उतने छीलके निकालने की, और बाकी मैं उसको रोलर एक्सेस कलर निकाल लिया, अपना
गुलाब टाइप है और ये पेंट कर। और इन चारों पीस पे दो दो कोट हो चुके हैं एक्रेलिक वैन डाइक ब्राउन के, तो बिल्कुल कांवरे बावरे हाल हो गए हैं, बिखरे बिखरे बाल हो गए हैं, बट ट्रस्ट मी इतना सेटिस्फैक्शन मिलता है जब आप खुद अपने हाथों से कुछ बनाते हो, और वो भी उन चीज़ों से जो आप फेंकने वाले थे। तो हमारे वहाँ एक सीटिंग थी जिसको हमने तोड़ दिया था और उसी वक्त मैंने उसका सारा लकड़ा रख दिया था, सो प्लाईवुड निकला और सो यू नो जो बीच बीच के लकड़े होते हैं, क्योंकि ऊपर नीचे तो विनियर लगता है, सनमाइका लगता है, तो बीच बीच के लकड़े थे और मेरी फ्रेंड्स पूछती थी क्या करोगी, ये सब गार्बेज जमा करती हो, ये सब क्या करती हो, यानी क्लटर क्लटर क्लटर, लेकिन उसी क्लटर का मैं कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ। और एक दिन मैं ऐसा व्लॉग करूँगी जहाँ सारी चीज़ें बताऊँगी जो मैंने अपने हाथों से बनाई हैं, सिर्फ पेंटिंग्स नहीं बट एमसील से कुछ बनाया है, कुछ टिश्यू रोल की बॉक्सेस से बनाया है और बरसों से उनका इस्तेमाल कर रही हूँ, तो बरसों से वो ख़राब नहीं हुए हैं और वो चीज़ें मैं बताऊँगी। सो जब ये बेंच रेडी हो जाएगा, जो लास्ट पीस इसका बचा है, बस ये प्लाईवुड जो है वो मुझे स्क्रू इन और नेल इन करने हैं, मुझे उनको कीलों से और स्क्रू से ठोक कर उसको लगा देना है, फिक्स कर देना है। वो करते वक्त एक छोटा सा क्लिपिंग दिखाऊंगी और फिर फाइनल पीस। आई ऑलवेज टेक मेजरमेंट्स, हमेशा सेफ रहना बेटर होता है बाद में पछताने से। सो या वाइट पेंसिल, कलर्ड पेंसिल या किसी कील से मैं हमेशा मार्किंग करती हूँ ताकि मुझे क्लैरिटी हो। और फिर हम इस्तेमाल करेंगे ड्रिल मशीन का। ड्रिल मशीन में हमने साइज़ के हिसाब से बिट फिक्स की है। हमारे क्लिप जो है थोड़े हैवी ड्यूटी हैं, थोड़े बड़े हैं, इसलिए बिट भी बड़ी होनी चाहिए। दोस्तों मुझे एक बात कहनी है कि जब भी आप कार्पेंट्री वर्क करें या कोई भी औजार के साथ या शार्प इंस्ट्रूमेंट के साथ काम करें तो ग्लव्स ज़रूर पहनिएगा। मुझे आदत है और ये छोटा काम है इसलिए मैं पहन रही हूँ। ऐसे नहीं कि मुझे चोट नहीं लगी है, कई मरतबा लगी है, आज छोटा काम है इसलिए मैंने ग्लव्स नहीं पहने, वरना ग्लव्स पहनिएगा, चश्मे पहनिएगा, फिर करिएगा। और प्लीज़ बच्चे डोंट इवन ट्राई इट, बिल्कुल नहीं, ये बड़ों का काम है, बड़ों को करने दीजिए। और दोस्तों ये है हुक्स जो मैं इनमें फिट करूंगी, इस पे शेल्स टिकेंगे। ओके, एक तरफ की सारी क्लिप्स लग गई हैं, अब दूसरी तरफ लगेंगी और वो मैं आपको ऑलमोस्ट रेडी टू गो है। अब
कि हमें सिर्फ इसके प्लाइंग लगाकर देखने हैं ये सही हुआ है अगर तो ये कुछ एक सूट का फर्क रहेगा क्योंकि हैंडमेड चीज़ है और मैं प्रोफेशनल कारपेंटर नहीं हूँ एक सूट का फर्क रहेगा बट ऑल इन ऑल आई थिंक बुरा नहीं है काम है बुरा काम नहीं है ये हॉबीस्ट के लिए तो आई थिंक आई हैव डन अ डिसेंट जॉब या एज अ हॉबी अगर मैंने इस पुराने बेंच का कुछ बनाने का सोचा है तो इट्स अ डिसेंट इनफ जॉब और ठाकुर क्या कहते हैं सही किया या नहीं और फिर शुरू हुआ हमारा सफाई अभियान जो भी काम करती हूँ उसके बाद वहाँ की सफाई करना बहुत ज़रूरी है वरना काम अधूरा लगता है आई हैव गॉट स्लाइट ओसीडी तो साफ सफाई करने के बाद हमने ये सेट कर दिया बेंच तो ये सेट हो गया है हमारा बेंच कम शू रैक इस पर शायद मैं बाद में चिक लगाऊं या कोई पुरानी चटाई हो उसे ढक दूं पर ये अंदर की तरफ आता है तो यहाँ से कुछ नहीं नज़र तो जैसे मैंने आप लोगों से वादा किया था मैंने आपको मेरा एक DIY दिखाया एक सिंपल बेंच था जिसको मैंने शू रैक में कंप्लीट किया हैंडमेड है इसलिए उसमें 19-20 का फ़र्क है प्लस जितना लकड़ा मेरे पास था उतना ही मैं इस्तेमाल करना चाहती थी अगर नहीं तो मुझे नया वुड खरीदना पड़ता पर मैं कोशिश करती हूँ कि जितनी भी हो सके चीज़ें जो मेरे पास फैसिलिटीज़ हैं चीज़ें हैं उनमें से बनाऊँ कुछ दिन लग गए क्योंकि मैं काम के बीच में ही कर रही थी तो एक दिन उसको काटने में लगा एक दिन उसे बफ करने में लगा एक दिन कभी आधी पेंटिंग हुई नहीं हुई कभी दो दिन में एक मरतबा पेंटिंग हुई ऐसे 7-8 दिन में ये बेंच मैंने तैयार किया है टुकड़े टुकड़ों में पर हो गया एट लास्ट और इसका फिनिश प्रोडक्ट उसके अगर आपने ध्यान दिया उसका फिनिश प्रोडक्ट जो है वो इतना बुरा नहीं है ठीक है नॉट बैड है या? So, thank you so much everyone. Thank you for liking, sharing, subscribing to my channel. I love you all. Thank you. God bless you.